Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to complete question answer of chapter 1, that is number system. So we will complete all question and exercise of this chapter. So let's start. So firstly we will complete the fill in the blanks questions. So now we are going to discuss one by one. So first question, the base of binary number system is. So what will be here? Here will be 2 because the base of binary number system is 2. So answer will be 2. The base of binary number system is 2. Now we will see next question. So next question is the base of dash number system is 10. So I have already taught you which number system have base 10. So here will be decimal number system because decimal number system's base is 10. The answer is decimal number system. ओके द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारा उसका बेस जो होता है वो 10 होता है तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा डेसिमल. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम. कितने डिजिट्स होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम में. हमारी ऑक्टल नंबर सिस्टम में होती है 8 डिजिट्स तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिकॉज मैंने आपको बताया था कि 0 से 7 तक जो डिजिट्स होती हैं आपकी ऑक्टल नंबर सिस्टम में होती है. 0 टू 7 कितनी हुई 8. सो आंसर विल बी हियर 8. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 4. इन बाइनरी एडिशन 1 प्लस 1 इक्वल टू. अब मैंने आपको बताया था देखिए ऐसी सिचुएशन होती है जब 1 प्लस 1 होता है तो क्या होता है हमारा दैट विल बी 0 विद वन कैरी बिकॉज इस सिचुएशन में क्या होता है अगर 1 प्लस 1 करते हैं आप तो क्या होता है यहाँ पे आपकी टू डिजिट्स हो जाती हैं एक तरीके से जो कि आपकी कैरी हो जाती है. ठीक है तो 1 0 विद 1 कैरी. सो हियर विल बी द आंसर 0 1 कैरी. यू कैन राइट ओनली 0 देयर इज नो नीड टू राइट 1 विद 1 कैरी बट आई हैव रिटन हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश नंबर सिस्टम इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. सो विच नंबर सिस्टम अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. हियर विल बी बाइनरी बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कंप्यूटर जो होता है वो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम एक्सेप्ट करता है. ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम एक्सेप्ट करता है तो इसका आंसर होगा बाइनरी. ओके बाइनरी नंबर सिस्टम इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन. डैश नंबर सिस्टम यूजेस 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 एंड लेटर ए टू एफ. आई हैव टोल्ड यू विच नंबर सिस्टम सपोर्ट्स 16 डिजिट्स. कौन से नंबर सिस्टम जो होता है जिसमें 0 टू 9 डिजिट्स होती हैं और ए टू एफ अल्फाबेट्स होते हैं तो सोचिए उसको आंसर कीजिए. ओके सो हियर विल बी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बिकॉज जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा होता है उसमें क्या होती है 0 टू 9 जो होती है वो हमारी डिजिट्स होती हैं एंड ए टू एफ हमारे जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं. सो हियर विल बी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन बाइनरी सबट्रैक्शन 1 माइनस 1 इक्वल टू. व्हाट विल बी द आंसर. थिंक एंड आंसर. व्हाट विल बी आंसर. हियर विल बी द आंसर 0 बिकॉज व्हेन यू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1 in binary then the answer will be 0. So here will be 0. I have already taught you the rules. What are the rules you have to keep in mind when you are subtracting binary numbers. So you will have to follow those rules. तो आपको उनको ध्यान कीजिए recall कीजिए और उसके बाद में answer कर सकते हैं आप इसको. Video अगर आपको चाहे तो आप दोबारा से देख सकते हैं. अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको repeat करके दोबारा से देख लीजिएगा. Okay. So we have completed the fill in the blank exercise. आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको किया है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं. अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कमेंट करके. ठीक है तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स. ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो अब हम देखने वाले हैं ट्रू फॉल्स को. ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो इनमें क्या क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कैन नॉट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स. मतलब क्या है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं हम उन पर क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. बिल्कुल गलत बात है ये. क्यों क्यों गलत है क्यों फॉल्स है. बिकॉज हमने इसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हमने करी है तो इसका मतलब क्या है हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी नंबर पे भी. तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स. दिस विल बी फॉल्स. ओके समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट इज
डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, मतलब क्या है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो आपका 10 डिजिट, उसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिजिट्स होती हैं। सो हियर विल बी आंसर ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इज नॉट द सेम एज डेसिमल नंबर, मतलब क्या है, जब आपको दो बाइनरी नंबर की डिवीजन करनी हो तो मेथड जो है वो उसका सेम एज नहीं है। जैसे कि मतलब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की डिवीजन करते हैं वैसे ही उसमें भी डिवीजन नहीं कर सकते क्या? देखिए, जब मैंने आपको बाइनरी डिवीजन समझाया था तो मैंने आपको बताया था क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं जिनमें हम डिवीजन करते हैं बिल्कुल सिमिलर डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह डिवीजन होती है। सो दिस विल बी फॉल्स, जी ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारी बाइनरी की डिवीजन भी बिल्कुल सिमिलर डेसिमल डिवीजन की तरह ही होती है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स थिंक? सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हेन 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0? यस इट इज राइट, वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई 1 विद 0 इट विल बी 0। हमेशा हमने देखा है, हम डेसिमल में भी देखते हैं, जब भी कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे बाइनरी में भी सेम ही रूल फॉलो होता है आपका, सो इट विल बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। जीरो का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था? नो इट्स रॉन्ग आंसर, बिकॉज चार्ल्स बेबेज ने जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया था। ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, पर जीरो किसने इन्वेंट किया था? आर्यभट्ट। सो दिस विल बी फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर यूज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम्स आर 1 to 7। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है आपके उसमें 1 to 7 डिजिट्स होती हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हाँ इसमें 7 तक की तो डिजिट होती है तो 1 to 7 दे दिया, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज आपकी 8 डिजिट होती है टोटल। अगर आप 1 से काउंट करेंगे 7 तक तो आपके 7 ही डिजिट होंगी, तो काउंटिंग स्टार्ट हमेशा 0 से होती है इसमें नंबर सिस्टम में। सो इट विल बी फॉल्स, बिकॉज 1 to 7 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए था हमारा 0 to 7। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर 1 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत सीरियसली आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रितिकास कंप्यूटर टीचर हैज आस्क हर टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, सजेस्ट द मेथड विच शी शुड यूज टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, रितिका जो है उसके कंप्यूटर टीचर ने उसे बोला है कि जो आपको क्या करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में फिर से आपको बता देता हूँ क्या मेथड होता है। सो नाउ हियर इज द आंसर, टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड फाइनली कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, देखिए आपका जो भी आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है उसको उतनी बार ही लिख लीजिए जितनी बार भी ऑक्टल डिजिट गिवन है आपके सामने, और उस बेस जो डिजिट्स हैं उनको क्या कर दीजिए, पावर देते चले जाइए 0 से, 0, 1, 2, 3, ठीक है, पावर आप दे देंगे। तो अगर और क्लियरली समझाऊं मैं इसको तो देखिए क्या है, क्या बोल रहा है ये। तो जो भी डिजिट्स आपको दे रखी है, मान लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है आपको 24 को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, ये 24 जो ऑक्टल डिजिट है और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में इसके कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑक्टल का बेस होता है उसको आप जितनी बार डिजिट दे रखिए उतनी बार लिख दीजिए। तो यहाँ पे बेस लिख देता हूँ मैं, 8 होता है ऑक्टल का बेस, ठीक है, तो मैंने 8 लिख दिया एंड अगेन मैंने 8 लिख दिया। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या कीजिए, पावर को पावर दीजिए इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसकी पावर दे देता हूँ मैं 0, ठीक है, और इसकी पावर दे देता हूँ मैं 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो गई। अब बोल रहा है इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने इसका जो रिजल्ट होगा उसको साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, 4, और यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 into 4, और तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल इक्वलेंट हो जाएगा, ये हो गया 4 हो गया हमारा इसका आंसर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 8 into 2,
तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, फिर बोला गया, क्या बोला गया, फिर इनको दोनों जो रिजल्ट आया उनको कर दीजिए प्लस, तो 16 प्लस आप करेंगे 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि है जो ऑक्टल नंबर है वो 24, वो हमारा डेसिमल में 20 होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई तो मैं इसको चेक करके भी दिखा देता हूँ अभी आपको हाथों हाथ कि ये हमारा कन्वर्जन सही है या नहीं है। जो यहाँ पे स्टेप बोला गया उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मैंने सही की है या नहीं की है, तो उसको दिखा देता हूँ मैं आपको करके। चलिए देखिए, मैंने ये ऑनलाइन कन्वर्टर ओपन कर लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूँ 24 और डेसिमल में ये 20 आना चाहिए जब कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए, अगर कन्वर्टर जो कन्वर्जन हमने किया था वो अगर सही हुआ होगा तो 20 आएगा इसका आंसर। देखिए 20 है, तो इसका मतलब वो सही है हमारा। वैसे तो मैं आपको ये सब चीज़ करा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको दोबारा समझा दिया ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द टीचर हैज गिवन असाइनमेंट टू सौरभ ऑन बाइनरी सब्ट्रैक्शन। टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है सौरभ को, किस पे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे। एंड सौरभ इज कंफ्यूज अबाउट हाउ टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, हेल्प हिम टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज आप लोग भी थे इसमें कंफ्यूजन की, मतलब अगर हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना हो 0 में से तो किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो बोरो का होता है, मैंने बताया था आपको बोरो करना होता है हमें, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखिए द नंबर इज बोरोड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आप तो क्या हो जाता है, वहां पे 2 डिजिट्स हो जाती हैं, और 2 डिजिट्स में से जब हम एक लेस करते हैं तो क्या हो, 1 डिजिट हमारे पास बचती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी, क्या करेगा वो बोरो कर लेगा वहां से। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। सो दीज वर द 2 क्वेश्चंस दैट वाज इन चैप्टर 1। ठीक है, जो चैप्टर 1 के अंदर आपके 2 क्वेश्चन थे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे आपके चैप्टर में, तो वो मैंने आपको बता दिए, डिस्कस कर लिए हमने, समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 0। तो अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो आप इसको बहुत इजीली आप इसको गैस कर सकते हैं, आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा था कि 0 को किसने इन्वेंट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश कन्वर्ट्स द डेसिमल फॉर्मेट इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। कौन करता है कन्वर्ट, डेसिमल जो आपके फॉर्मेट होता है उसको कन्वर्ट कौन करता है, डिजिटल कंप्यूटर करते हैं, हमारे सेलफोन करते हैं, या अबेकस करता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे बाइनरी में वर्क करते हैं, तो वो डेसिमल नंबर को क्या करते हैं, बाइनरी के इक्विवेलेंट का कैलकुलेट करके कंप्यूटर को समझा देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर आपका उस लैंग्वेज को समझ पाता है और उसमें वर्क करने लगता है, बिकॉज कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी ओनली, तो वो कन्वर्ट करता है उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली। ठीक है, अभी बात करी हमने किसमें वर्क करता है कंप्यूटर, ओनली बाइनरी। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था आपको कंप्यूटर कौन सी समझता है सिर्फ लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। नाउ नेक्स्ट इज इन बाइनरी मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 = 2। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 को, तो क्या होता है हमारा, ठीक है 1, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इंटू अ बाइनरी नंबर डिवाइड द नंबर बाय। जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, 8 से करते हैं, 10 से। ठीक है, देखिए 8 से भी नहीं करेंगे, 8 से कब करते हैं, जब हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, ठीक है जब हमें कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में। ठीक है, तो हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे यह आंसर गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 2 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं चैप्टर 1 के, जो भी आपके नंबर सिस्टम से बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कॉमनली यूज टाइप। अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग अ पर्टिकुलर शो एटसेट्रा। मतलब क्या है, देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, ये नंबर सिस्टम सेट ऑफ वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। तो बात कर लेते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सपोर्ट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम।
कौन कौन से नंबर सिस्टम सपोर्ट करता है, इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन इट्स कॉमनली यूज टाइप, जो भी नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए बोला है। तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम। अ बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली टू डिजिट्स, 0 एंड 1, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है जिसमें उसमें सिर्फ टू डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 बिकॉज इट हैज ओनली टू डिजिट्स। क्योंकि इसका बेस 2 है, क्योंकि इसमें टू डिजिट्स होती है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो समझाया था मैंने आपको कि जिस नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट्स यूज हो रही होती हैं वही उसका बेस हो जाता है। तो बाइनरी में 2 डिजिट्स हो रही है तो बाइनरी का बेस 2 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ओनली 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 7। सो व्हाट विल बी द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम? 8, बिकॉज सो हियर 8 डिजिट्स आर बीइंग यूज्ड, सो द बेस विल बी 8, बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड बाय एनी नंबर सिस्टम दैट विल बी द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बेस 8 क्यों है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर सिस्टम वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9, सो द बेस विल बी 10। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर सिस्टम वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 अल्फानुमेरिक वैल्यू 0 टू 9 एंड A टू F। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विल बी 16, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 0 टू 9 तो आपकी डिजिट्स हो रही है और A टू F जो है वो हमारे अल्फाबेट, तो टोटल जो हो जाते हैं वो हमारे रहते हैं 16 डिजिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कॉमनली यूज टाइप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन क्या रूल्स हैं किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आर द रूल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन दीज रूल्स टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, फॉलो द गिवन स्टेप्स। सो व्हाट आर द स्टेप्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। Divide the given decimal number with the base 2, because whenever we have to convert any number into binary, so we have to divide the number with the base of binary. So what is the base of binary? The base of binary is 2. तो जो भी नंबर होगा उसको आपको base 2 से divide करना होगा, 2 जो आपका base है उससे divide करना है। Now next step, write down the remainder and divide the quotient again by 2. तो जो भी आपका remainder आएगा वो क्या करेंगे, आप लिख देंगे and फिर दो जो क्वेश्चन बचेगा उसको दोबारा से फिर आपको 2 से ही डिवाइड करना होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप 3, रिपीट द स्टेप 2 अंटिल द क्वेश्चन इज 0। मतलब जब तक कुछ क्वेश्चन जो होगा आपका, क्वेश्चन जो है वो आपका जब 0 नहीं आ जाएगा तब तक कि आपको डिवाइड करते रहना है। मतलब 0 का मतलब ये है कि जब तक कि आपको जो नंबर है आपका 2, जो भी बेस है हमारे बाइनरी का, उससे कम नहीं आ जाता जब तक हम उसको रिपीट करते रहते हैं स्टेप को, ठीक है। एंड नाउ स्टेप 4, राइट द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड इन ईच स्टेप इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में उनको आपको उल्टा लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या होता है जब हम डिवाइड करते हैं उसके बाद में उन्हें उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो जो बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे है उसको चेक कर लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में फिर उनको डिजिट को हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हमारा नंबर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है बाइनरी डिजिट में, जो भी नंबर हमने कन्वर्ट कराया है डेसिमल को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया हमारा आंसर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रूल टू मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर्स। तो दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। द रूल्स फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बाइनरी नंबर्स इज सेम एज ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब देखिए क्या है, जो भी रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के वो सेम है जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं। मैं एक टेबल आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको पता चल जाए क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे। देखिए, दीज आर द रूल्स, वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई 0 बाय 0, मतलब 0 और 0 की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा 0 आएगा आंसर, ठीक है। 0 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका 0 आएगा, ठीक है। जब भी 0 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, एंड अगर 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तब भी 0 आएगा, ठीक है। बस एक केस है जहाँ पे कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई होती है तो 1 आता है, अदरवाइज बाकी सब केस में 0 ही आएगा आपका। देखिए, 0 से 0 मल्टीप्लाई हो रही है 0 आ रहा है, 0 की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है 0 आ रहा है, एंड 1 की 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल को आपको माइंड में रखना है जब भी आपको दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये आपके चैप्टर में क्वेश्चन है तो इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अगेन। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ओनली 8 डिजिट्स
फ्रॉम 0 to 7। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होती है आपकी डिजिट होती है 0 to 7, ठीक है। एवरी नंबर रिप्रेजेंटेड विद द 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन दिस नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बेस जो होता है वो हमारा 8 होता है, बिकॉज इट हैज ओनली 8 डिजिट्स। और बेस क्यों 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 डिजिट होती हैं। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है एक तरीके से आपका ये, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, बट ये है आपके चैप्टर में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? सो ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं अभी समझा चुका हूँ आपको, जब मैंने एक्सरसाइज करते टाइम ये क्वेश्चन भी समझा दिया है। तो चाहे तो आप अपने आप कर सकते हैं इसको आंसर को, बट मैं आपको फिर भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ उसको क्वेश्चन को। अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 अल्फानूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9 एंड ए टू एफ। 0 से लेके, ठीक है, एफ तक कितनी हो गई, 16 डिजिट, ठीक है, क्योंकि 9 तक यहाँ हो गई, उसके आगे रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे 9 के बाद 10, 11, 12, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, और ये हो गया हमारे 16। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16, क्योंकि 16 डिजिट यूज हो रही है, तो इसका बेस 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे देखा है ए हो जाएगा, वो 10th पोजीशन पे ए आ जाएगा, 11th पोजीशन पे बी आ जाएगा, और 12th पोजीशन पे सी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से सारे डिजिट्स हमारी इसमें हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर, और आपके इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और लैब एक्सरसाइज दे रखी है आपके इस चैप्टर में, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लैब एक्टिविटी में क्या दे रखा है, कुछ कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है नंबर्स को, आपको क्या आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दोबारा से करके देखिएगा अच्छे से, तो जैसे कि आपका और अच्छे से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं, बट आपसे क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर करके देखेंगे सारी एक्सरसाइज को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है, तो वो आप मुझे बताइएगा, प्रॉब्लम होगी उसको समझा दूंगा दोबारा से। सो फर्स्ट नंबर इज 68 को बोला गया, देखिए कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में, तो 68 का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हमारे 68 का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा आपका 1000100। फिर 987 को बोला गया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ठीक है, देखिए 4 टाइम 1 0 एंड 2 टाइम 1 फिर 0 फिर 2 टाइम 1, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर आपका 657 को बोला गया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट टू दिस नंबर बाइनरी में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एक्टिविटी का। सेकंड है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। तो कुछ बाइनरी नंबर को डेसिमल में बोला गया कन्वर्ट करने के लिए, देखिए ये बाइनरी नंबर है, तो इन बाइनरी नंबर को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में इसको कन्वर्ट कीजिए इन नंबर्स को अब डेसिमल में, और उसके बाद में अपने आंसर्स को जब मैं आंसर शो करूंगा तो उससे चेक कीजिए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद में जो आंसर्स मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, उन आंसर्स को आप इसके साथ में मैच करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और सॉल्व करने के बाद आप इन आंसर को चेक कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ठीक है, इसके वाले का आंसर ये आ रहा है, तो आपने उनको सही किया है कैलकुलेशन, और अगर उस वाले का सेकंड वाले का आंसर अगर आपका ये 38 आ रहा है, तो आपकी सेकंड कैलकुलेशन भी ठीक है, और थर्ड वाले का आंसर अगर आपको 21 आ रहा है, तो आपकी इसकी कैलकुलेशन भी ठीक है, ठीक है। और अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप चेक कीजिए कहीं आपने मिस्टेक की होगी कैलकुलेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी, परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बाइनरी एडिशन बोला गया है कुछ नंबर से करने के लिए, उनको चेक करते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए बोला गया है नंबर्स को, तो अगेन वीडियो पॉज कीजिए और इसकी एडिशन कीजिए आप, और एडिशन करने के बाद में जो मैंने अभी इसका आंसर डिस्प्ले करूंगा, उस आंसर से आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर ठीक आता है, तो आपने बाइनरी कैलकुलेशन जो एडिशन है वो ठीक की है, अगर गलत आता है तो दोबारा से आप उसको चेक कीजिएगा। तो अभी आप कीजिए वीडियो को पॉज, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपने इसको वीडियो को अपने पॉज करके सॉल्व कर लिया है, और दोबारा से आप इसको चेक कर रहे हैं। तो अगर आपका आंसर फर्स्ट एडिशन का आपका आंसर ये आया है, ये अगर आंसर आया तो आपका ठीक है, क्योंकि ये जो होती है इक्विवेलेंट डिजिट होती है हमारी डेसिमल में 21, ये होती है 21 और ये होती है हमारी 7, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, तो आपका आंसर ठीक है फर्स्ट का। ऐसी सेकंड वाली डिजिट का जो है हमारी सेकंड वाली डिजिट का अगर आपका सॉल्व करने के बाद में अगर आपका आंसर ये आया है, तो आपका आंसर ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारी डिजिट इक्विवेलेंट होती है 557 के, ठीक है, 557 के इक्विवेलेंट होगी डिजिट, प्लस फिर हमने ये वाली डेट होती है इक्विवेलेंट 77 के, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 634। तो ये डेट इक्विवेलेंट होती है हमारी 8 डेट के, ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी एडिशन थी,
ठीक है, ये हमारा था, दो डिजिट थी इनको ऐड करना था हमें। तो अगर आपका आंसर ये आया है तो ये आपका आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट होती है हमारी डेसिमल के इक्विवेलेंट होती है 13 के, और ये जो डिजिट हमारी इक्विवेलेंट होती है 9 के, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो हो जाएगा 22। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ एक्सरसाइज डिफरेंस द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में देखिए ये आपके सामने है, ये नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, और उसके बाद में जो मैं आंसर डिस्प्ले करूंगा उसको आप अपने स्क्रीन से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप वीडियो कीजिए पॉज। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। तो मैच करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका आंसर जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ये आया है तो इसका मतलब आपने सही किया है। अगर गलत आया तो दोबारा से चेक कीजिए। क्यों ये आंसर सही है? क्योंकि ये जो डिजिट होती है हमारी बाइनरी वो इक्विवेलेंट होती है इस डेसिमल नंबर के, और ये बाइनरी डिजिट जो है वो इक्विवेलेंट होती है इस डेसिमल नंबर के। अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये बचेगा हमारा 9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए आपका सब्ट्रैक्शन था हमारा ये, और इसमें से इस डिजिट को हमें करना था सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर आपका आंसर ये आया है तो इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन की है, आपने सब्ट्रैक्शन सही किया है। क्यों है? क्योंकि ये जो होती है हमारी बाइनरी डिजिट है इक्विवेलेंट है 201 के, और ये बाइनरी डिजिट इक्विवेलेंट है 102 के, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा 99, और ये डिजिट हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट 99। अगर आप 99 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये आपकी डिजिट आ जाएगी ये वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली जो डिजिट थी हमारी ये थी। ठीक है, इसको अगर आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका आंसर ये आया है तो आपने इसका मतलब ये का सब्ट्रैक्शन भी सही की है। ठीक है, इसको भी सब्ट्रैक्ट आपने सही किया है, ये वाली कैलकुलेशन आपकी सही है इसका मतलब। और क्यों सही है? क्योंकि ये जो होता है हमारा ये होता है इक्विवेलेंट टू 7, और ये डिजिट जो इक्विवेलेंट होती है वो 1 के, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6। तो अगर आप 6 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको मिलेगी ये डिजिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं तो इनको भी आपको करना है। सो आई विल अगेन सजेस्ट यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट योर आंसर्स। सो आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट करने के बाद दोबारा से देखा है, आप इसको कैलकुलेट करने के बाद ही देखा है पॉज करने के बाद। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले अगर कैलकुलेशन आपने की है, जो मल्टीप्लीकेशन की है वो अगर आपका ये आ रहा आंसर, तो इसका मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बाइनरी नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है 5 के, और ये बाइनरी नंबर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 3 के। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 15, और इस नंबर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको मिलेगी 8 डिजिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आपका आंसर ये आया तो इसका मतलब आपकी नेक्स्ट वाली मल्टीप्लीकेशन भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि आपकी ये जो बाइनरी नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है 11 के, और ये बाइनरी नंबर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 5 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये नंबर, इस नंबर के इक्विवेलेंट वो होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो नेक्स्ट वाला अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया और आपको आंसर मिला है ये, तो नेक्स्ट वाला भी आपका आंसर ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये जो बाइनरी नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है 42 के, और ये बाइनरी नंबर जो है इक्विवेलेंट होता है 11 के, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 462, और इस नंबर को अगर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको मिल जाएगा ये नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ डिवीजन बेस्ड एक्सरसाइज है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास में डिवीजन दे रखी है, डिवीजन के बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाए थे, और आप लोगों ने सबने बोला था कोई सब कोई डाउट नहीं है, हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है कहीं पे तो मैं टॉपिक को आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप अभी देखते हैं इसको। तो इसको करने से पहले अगेन प्लीज पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट योर आंसर्स। तो आई होप आपने पॉज करने के बाद दोबारा से कैलकुलेट कर लिया है अपना आंसर, और आप आंसर चेक कर रहे हैं। चलिए आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए ये है आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। अगर आपने फर्स्ट जो है आपका डिवीजन किया है उसके बाद में आपका आंसर ये आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो डिवीजन है वो बिल्कुल ठीक है, आप नंबर को सही डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो नंबर होता है हमारा बाइनरी में इक्विवेलेंट होता है डेसिमल के 15 के, और ये बाइनरी नंबर जो है इक्विवेलेंट होता है 3 के। इन दोनों का अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो आंसर अगर आपका अगर ये आ रहा है, ठीक है, इसमें जो बाइनरी डिजिट मिलेगी आपको ये, और रिमाइंडर मिल रहा है 10, तो आपका आंसर ठीक है।
क्यों ठीक है? क्योंकि अगर आप 57, ये जो डिजिट होती है वो हमारी इक्विवेलेंट होती है 57 के, और ये डिजिट जो इक्विवेलेंट है वो है 5 के। अगर आप 5 से करेंगे डिवाइड इस नंबर को तो आपको मिलेगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 11, और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में थी ये, और अगर आपने कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आ रहा है ये, और रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, ठीक है, तो आपका आंसर ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखिए ये जो बाइनरी नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है 511 के, और ये नंबर जो इक्विवेलेंट होता है वो 5 के। अगर आप इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 102 आंसर, और रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दिस वॉज द ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। सो वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आपको उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपको कोई भी टॉपिक अगर कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके रिगार्डिंग दोबारा से वीडियो बना दूंगा मैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सब चीज़ें अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।